ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲਦੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। अच्छा सर, सुबह का 9:30 बजे का टाइम था कि जब इधर गांव अपने इधर मोड़ में एक घर है, लड़के क्या था टीवी देख रहे थे अपने अंदर अलमारी के अंदर, उन्होंने क्या था टीवी देख रहे थे, उसी टाइम ऊपर से जो हमारा जंगल एरिया उधर से क्या हुआ कि दो मिल टेंट क्रॉस हुए हैं, फौजी वर्दी में थे, उन्होंने क्या किया पीछे अपना एक ले रखा था अपना बैग था और फौजी वर्दी में थे, दाढ़ी उनको रखी थी, तो लड़कों ने अंदर से देखा खिड़की से, तो दूर से देखते हैं उन्होंने जैसे देखा वो रोड से क्रॉस हो गए नीचे चले गए। बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव में बताया कैसे दो फौजी गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया फिर शोर मचा दिया। 9:30 बजे का टाइम था, उसके बाद 10:30 बजे पुलिस पहुंच गई है, उन्होंने पूरा इलाका आर्मी भी आ गई है, फर्स्ट मैक्ति जो आर्मी से आई है और गाँव वाले बहुत साथ दिया है, गाँव वाले ने अपने हथियार ले के पूरा एरिया सर्च किया है, जितना गाँव वाले ने साथ दिया इतना पुलिस ने आर्मी ने नहीं दिया है। इस मौके DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ कोई संदेहास्पद मूवमेंट है, ठीक है ना, तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने अपना एक्सरसाइज किया, अगर कोई उस तरह की बात है तो हम तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हमने सर्च किया ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ होगा हमारे यहाँ सफिशियंट पेट्रोलिंग है और पूरा सिक्योरिटी टाइट है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बाहर से भी कुछ फोर्स जो है इस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के लिए यहीं पर देखिए बहुत फोर्स है। देखिए, हम लोग जैसे मैं DIG बॉर्डर हूँ, IG साहब IG बॉर्डर हैं, हम लोग बॉर्डर पर ही मूव कर रहे हैं, हमारे पास सफिशियंट फोर्स है, ठीक है कि नहीं, और हर स्टेशन पर सफिशियंट फोर्स ऑलरेडी रखी हुई है, जरूरत पड़ने पर जितनी फोर्स की जरूरत है आ सकती है, इसलिए इसमें कोई मतलब पेट्रोलिंग के दौरान जो है कुछ अलग अलग इक्विपमेंट दिए गए हैं फोर्सेस को, बहुत सारी चीजें हैं जी, उसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास। पठानकोट तो आजाद TV न्यूज लाई नवीन वासुदेव की रिपोर्ट।